वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ हल्दीराम स्टाइल पनीर के छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इन छोले भटूरे को अगर आप घर पे जैसे मैंने बताया वैसे ही बना के खाएंगे तो बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप मार्केट में खाते हैं। तो आप बाहर मत जाइए और 150 रुपए वाली प्लेट घर में बनाइए और पूरे घर भर को खिलाइए। तो चलिए रेसिपी देखते हैं, आगे आपको रेसिपी में पता चलेगा कि मैं आपको ये कैसे बना के दिखानी है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और 250 ग्राम मैदे को फ्रेंड्स में मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा है, जो खाने वाला सोडा होता है घर पे इजी रहता है, वो मैंने यूज किया है। उसी के साथ साथ मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किया है फ्रेंड्स, और इसको ऐड करने के बाद मैंने इसमें 3 टीस्पून कर्ड लिया है। तो फ्रेंड्स, कर्ड जो है ज्यादा खट्टा नहीं लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा खट्टा ना हो, नहीं तो भटूरे खट्टे लगेंगे। तो इसको अच्छे से हमें पहले हाथ से मिक्स कर लेना है, पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने हाथ से मिक्स कर लिया, उसके बाद ही इसमें वाटर ऐड करिएगा, क्योंकि अगर हाथ से आप मिक्स नहीं करेंगे तो वो कर्डल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स पानी ऐड करिएगा, एक साथ सारा पानी ऐड मत करिएगा। तो मैंने थोड़ा पहले मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है, तो 1/2 ग्लास पानी से हमारा इस तरह से डो थोड़ा बन रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी और ऐड होगा। ये देखिए, तो अब हमने पहले थोड़ा सा पानी और ऐड करके मैंने देखिए बिल्कुल इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा डो बहुत सॉफ्ट है। आपको डो का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, डो आपका बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। तो डो आपको बहुत सॉफ्ट सा अच्छा सा तैयार करना है। और इसके बाद मैंने इस पर रिफाइंड ऑयल लगा करके इसको रेस्ट करने के लिए 2 से 3 आवर्स के लिए कवर करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको कवर के लिए जरूर ध्यान रखना है कि कवर आपको ज़्यादा करना है। उसके साथ ही साथ मैंने छोले बनाने के 250 ग्राम छोले लिए हैं, जो मैंने रात में भिगो के रख दिए थे। तो ये छोले हमारे फूल चुके हैं, इस तरह से हमारे थोड़े छोले दिख रहे हैं आपको। तो चलिए छोले हम कुकर में अपने सारे डाल लेते हैं। ये लीजिए, कुकर में मैंने सारे छोले जो हैं वो डाल लिए हैं। और सारे छोले हमें कुकर में डालने के बाद फ्रेंड्स इसको सही से बराबर कर लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपको फ्रेंड्स कम ही रखना है, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, वैसे आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा मत डालिए। उसके साथ ही साथ मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, 1 सिनेमन स्टिक ली है, ये दालचीनी होती है फ्रेंड्स, 1 टुकड़ा दालचीनी का, तो मैंने इसको तोड़ लिया है। ये 4 से 5 हमारे तेज पत्ते हैं वो मैंने यूज़ किए, और 2 लौंग है फ्रेंड्स, इन सबको मैंने इसमें डाल दिया है। उसके साथ ही साथ मैंने इसमें 2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है। पानी देख लीजिएगा, अगर फ्रेंड्स पानी आपको थोड़ा सा कम लगता है तो थोड़ा पानी आप और ऐड कर सकती हैं। देखिए पानी बिल्कुल सही हो गया। अब ये फ्रेंड्स मैंने एक टी बैग लिया है, टी बैग मेरे पास तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो आप कोई भी मसलिन क्लॉथ ले सकती हैं, एक अपना कॉटन का कपड़ा लेकर के उसमें चाय पत्ती डाल के उसकी पोटली बना करके उसको इसमें डाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको बॉयल करने रखते हैं। तो इसको बॉयल करने के लिए बिल्कुल ही लो हीट पर आपको एटलीस्ट 4 से 5 विसल तक आपको बॉयल करना है, जब तक आपके छोले अच्छे से पक नहीं जाते। तो देखिए मैंने छोले सीटी लगा के पका लिए, हमारे छोले पक चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये टी बैग हटा देते हैं, तो टी बैग हमारा बेकार हो गया, टी बैग हम फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इन छोले को देख लीजिए कि छोले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो पानी ये यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं ये पानी फेंक देती हूँ, मैं ये पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सारे छोले अलग कर लिए। उसके साथ ही साथ मैंने 3 चॉप्ड ओनियन लिए हैं, जिनको मैंने फाइनली चॉप करके रख लिया है, ये देखिए। और उसके साथ ही साथ मैंने 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा है। 4 टमाटरों को मैंने अच्छे से काट करके फाइन प्यूरी बना करके रख ली है। तो चलिए अब पैन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स पैन में मैंने ये ऑयल लिया है, ये मैंने 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये क्योंकि आप छोले बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके छोले में तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने ये शाही जीरा लिया, ये नॉर्मल जीरा नहीं है, ये हमारा शाही जीरा, ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा शाही जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब जीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं, और जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके साथ ही साथ हम इसमें ये मैंने एक जावित्री 2 इलायची छोटी और 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, वो हमें इसमें डाल देना होगा। इससे हमारा तेल का फ्लेवर जो है छोले में बहुत अच्छा आएगा, और मसालों का फ्लेवर भी छोले में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ ये मैंने 3 चॉप्ड ओनियन लिए हैं, जो हमने ओनियन अभी बताए थे, ये वही ओनियन है, उसको भी हमें इसमें डाल देना और इनको फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने में फ्रेंड्स हमें 4 मिनट्स लगेंगे, इसको हमें मीडियम हीट पे करना है, ज़्यादा हाई हीट पे नहीं करिएगा। 3 से 4 मिनट्स आपको इस प्याज को फ्राई करने में लगेंगे। तो ये देखिए प्याज फ्राई हो चुका है। प्याज के फ्राई होने के बाद फ्रेंड्स ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो लिया था वो इसमें हमें ऐड कर देना होगा। चलिए वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। इसको भी भुनने में आपको 3 से 4 मिनट्स लगेंगे। तो फ्रेंड्स सब चीज़ें हमें मीडियम हीट पर करनी है, आपको ध्यान रखना है हाई हीट पर नहीं करना है। अब ये मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून है हमारा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और ये है हमारा रेड चिली पाउडर, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और सॉल्ट है फ्रेंड्स ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून इसमें यूज़ किया था तो छोले बॉयल करने के टाइम, और उसी अकॉर्डिंग आप 1/2 टीस्पून इसमें भी ऐड कर दीजिएगा।
तो अब इसमें फ्रेंड्स ये हमने पानी लिया है, क्योंकि हमने मसाले डाले तो हमारे मसाले जले नहीं, उस चीज को ठीक करने के लिए हमें इसमें पानी डालना है कि सारे मसाले मिक्स भी हो जाए और सारे मसाले भुन भी जाए। तो ये देखिए इन मसालों को भुनने के लिए भी आपको 3-4 मिनट लगेंगे, जब तक हमारे मसाले तेल नहीं छोड़ दें। तो मसाले भुनने के बाद फ्रेंड्स ये जो टमाटो पूरी हमने बनाई थी, ये टमाटो पूरी हमें इसमें ऐड कर देनी होगी। ये टमाटो पूरी मैंने डाल दी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको धीमी आंच पे इसको खूब अच्छे से फ्राई करना है, जब तक हमारे मसाले अच्छी तरह से और टमाटर जो है वो भुन नहीं जाए और बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। देखिए मसाले कलर आ चुका है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट में ये मैंने 3 टीस्पून छोले मसाला ऐड किया है, मसाला हमारा भुन गया उसके बाद। तो ये मसाला हमारा भुन गया उसके बाद मैंने 3 टीस्पून इसमें छोले मसाला ऐड कर दिया है। फिर फ्रेंड्स मैंने ये छोले ऐड कर दिए। फिर फ्रेंड्स आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसालों को छोले के साथ। और छोले जो है फ्रेंड्स हाथ से आपको अपने स्पैचुला से मैश कर देना, क्योंकि मैश किए हुए छोले का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो थोड़े थोड़े आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि मैश भी करने हैं, तभी आपको वो टेस्ट आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मैश कर दिया, तो छोले देखिए थोड़े से हमारे खड़े हैं, थोड़े से मैश किए, इससे ग्रेवी बहुत थिक सी और बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी आपको मिक्स कर लेना होगा। ये लीजिए सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है, भून लिया है इन सब प्रोसेस को करने में। और फ्रेंड्स मैंने इसमें पानी ऐड किया, पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी खानी है तो थोड़े ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आपके हल्दीराम में तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी मिलती है, तो हम ग्रेवी गाढ़ी ही बनाएंगे। तो इसको ग्रेवी भी गाढ़ी हमने कर ली है। इसमें देखिए थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम लग रहा था। तो चलिए देख लीजिए अच्छे से तैयार हो गया है। और उसके बाद इसको हमने कवर कर दिया है फ्रेंड्स, इसको हमें 5 मिनट तक लो हीट पे कवर करना है। और ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी ग्रेवी जो है ना छोले की कुछ अच्छी सी गाढ़ी सी तैयार हो गई। देखिए छोले कलर भी आप देख सकते हैं, सारा तेल भी ऊपर आ गया है। तो बहुत अच्छे से छोले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और इसमें लास्ट में फ्रेंड्स ये 1 टीस्पून मैंने फेनुग्रीक लीव्स लिए, कसूरी मेथी है, और उसको हाथ से आपको रगड़ के डालना है। हाथ से अच्छे मसल लीजिएगा, तभी इसका टेस्ट अच्छा सा आता है। ये लीजिए मैंने डाल दिया है इसमें, और इसको मिक्स कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जो आपकी फ्लेम है वो आपको लो ही रखनी है, हाई नहीं करनी है। ये देखिए थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। और ये मैंने 50 ग्राम पनीर के क्यूब्स लिए हैं, पनीर लिया था वो मैंने महीन महीन मतलब छोटे छोटे क्यूब्स में काट के उसको रख लिया है। इसको मिक्स करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी आपकी और थिक हो जाएगी। ये लीजिए डाल दिया। और फ्रेंड्स ये हमने कोरिएंडर डाल के अपने छोलों को डन कर दिया। ये देखिए छोले हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इनकी प्लेटिंग मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब आपको भटूरे बनाना दिखाते हैं। तो भटूरे के लिए फ्रेंड्स हमारा मैदा देख सकते हैं, डो हमारा कितना अच्छा सा फूल गया था। तो इसको एक बार हाथ से आपको फिर से सॉफ्ट करना होगा, क्योंकि डो में जो एयर है वो हमें निकालनी होगी। तो इसको एक बार हाथ से हमने और इसको सही से कर लिया है, हाथ इसमें प्रेस कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद हम पनीर स्टफ करके बनाने, तो इसके लिए मैंने 50 ग्राम पनीर लिया, जिसको मैंने हाथ से अच्छे से मैश करना है फ्रेंड्स। इसमें लम्स आपके नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी सी बिल्कुल 1 टीस्पून कोरिएंडर ले ली है, डाल दी है चॉप कोरिएंडर। और थोड़ा सा फ्रेंड्स हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है, 2 पिंच सॉल्ट। अगर आप चाहें तो डालें, चाहे नहीं डालें, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने इसको भी मिक्स कर लिया आपस में, और इसको मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स ये लिया है मैंने अपनी रोलिंग प्लेट। और रोलिंग प्लेट पे फ्रेंड्स हमें अच्छे से ऑयल लगा लेना होगा, क्योंकि अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो आप जब भटूरे बेलेंगे और रोलिंग प्लेट और रोलिंग प्लेट सब पे आपको ऑयल लगा लेना, क्योंकि अगर आप जब भटूरे बेलेंगे तो वो इसमें स्टिक हो जाएंगे तो वो उठेंगे नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने थोड़ा सा डो लिया है, और थोड़ा सा डो लेकर के फ्रेंड्स चलिए इसके आपको फिर से इसको स्टिक कर लेना है अच्छे से। और इसके मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये लीजिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और 2 पार्ट्स में करने के बाद फ्रेंड्स इसको हमें गोल गोल हाथ से इनकी बॉल्स तैयार कर लेनी है। ये लीजिए बॉल्स हमारी बन गई हैं। और इन बॉल को बनाने के बाद फ्रेंड्स हमें इसमें थोड़ा सा अंदर से हॉलो करना है, क्योंकि आपको साइड्स ध्यान रखिएगा कि साइड की तरफ पतला करना है, बीच में आपको मोटा करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें पनीर की स्टफिंग फ्रेंड्स, पनीर आपको ध्यान रखना है बहुत थोड़ा सा बनना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि हम पराठे नहीं बना रहे, हमें इसमें सिर्फ पनीर भटूरे बनाने हैं। थोड़ा ही पनीर मतलब 1 टीस्पून के आसपास आपको पनीर इसमें स्टफ करना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, इसको हमें क्योंकि हल्दीराम में जो छोले भटूरे मिलते हैं वो लंबे होते हैं, तो ये हमें लंबे बनाने हैं, ये ध्यान रखिएगा, गोल नहीं मिलते। तो ये हमें हाथ से ही मैं कर रही हूँ। अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको बेल लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसको लंबा ही ओवल शेप में ही बनाइए। ये देखिए हल्के से फ्रेंड्स, हल्के बहुत हल्के हाथ से करिएगा, वरना आपका भटूरा जो है फट जाएगा, क्योंकि ये पनीर स्टफ है। तो ये ध्यान लिखिएगा। ये देखिए मैंने हाथ से इसको अच्छे से शेप दे दिया है, कितना अच्छा सा शेप आ गया भटूरे का, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है वो वेजिटेबल ऑयल लेके उसको फ्राई करने लग दिया। तो फ्रेंड्स कढ़ाई बिल्कुल आपकी हाई हीट पे होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर भटूरे के लिए हीट जो है हाई नहीं होगी तो भटूरा फूलेगा नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हाथ से प्रेस कर करके इसको अच्छे से दबा दबा के आपको स्पैचुला से आपको इसको बनाना है फ्रेंड्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप दबाएंगे नहीं तो आपका भटूरा फूलेगा नहीं, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ऊपर से ऑयल आपको डालते रहना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा सा भटूरा फूल के तैयार हो गया है, कितना बढ़िया सा, और फूटा भी नहीं है। तो चलिए इनको हम आप निकाल
निकाल लेते हैं और निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक भटूरा और डाल दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आपको स्पैचुला से प्रेस कर करके आपको इसको बनाना है, तभी आपका भटूरा अच्छे से फूलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लीजिए, आपको इसको इसी तरह से ऊपर से तेल ज़रूर डालते रहना है। तो चलिए इसको टर्न करते हैं और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको टर्न कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा भटूरा फूल के हमारे दोनों भटूरे फूले हैं ना। तो फ्रेंड्स, इस अगर आप इस टेक्निक से आप चीज़ों को थोड़े थोड़े ध्यान रखेंगे, थोड़े थोड़े टिप्स को ध्यान रखेंगे, तो आपके भटूरे ज़रूर फूलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप भटूरे इस तरह से बनाएंगे तो आपके भटूरे आप दूसरे दिन भी खाएंगे तो ये भटूरे आपके लिए टाइट नहीं होंगे। तो चलिए मैं अपने प्लेटिंग कर दी है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। Till then, bye friends.